अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी डू आवर क्लास वर्क एंड होमवर्क इन आवर इंग्लिश नोटबुक। टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक, हरी अप। टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 इज योर क्लास वर्क। टेक आउट पेज नंबर 42 इन योर इंग्लिश नोटबुक। ओके बेटा, आज हम इसमें 42 पेज नंबर करेंगे। तो चलें पहले हम थोड़ा पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि ये कौन सा वर्ड था, को ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये कौन सा साउंड है। ओके, पेज नंबर 41 बेटा, ये वाला काम आप कल कर चुके हैं, इसमें सिर्फ हम रिवीजन करेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा साउंड है और इसकी फॉर्मेशन क्या है और इससे किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, इससे किस तरीके से हम बनाते हैं। ओके, टर्न अ लिटिल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन। एक बार फिर से हम फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। टर्न अ लिटिल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन। बेटा इसको हम एफ नहीं पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे, इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारा अल्फ़ाबेट भी है लेकिन इसमें हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा, फ का साउंड प्रोड्यूस होगा। जब फ़ैन हम ऑन करते हैं तो किस तरीके से आवाज़ करता है, फ करके ऑन होता है ना, बिल्कुल इसी तरह की आवाज़ प्रोड्यूस होगी जब आप पढ़ेंगे। अब देखते हैं उससे कौन कौन सी चीज़ों पे कल आपने टिक किया था। उससे पर्स में टिक किया था, पर्स का बिगनिंग साउंड है नहीं ना, पर्स में तो आपने टिक नहीं किया। पर्स में तो अगर आपने टिक किया होगा तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना मेरा बच्चा। अच्छा, से आपने फिश में किया था टिक। यस, व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ फिश, व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ फिश। गुड, द बिगनिंग साउंड ऑफ फिश इज फिश, फिश। और उससे किस में किया था आपने टिक, फिंगर, इट्स योर फिंगर। देखिए सारे बच्चों के पास फिंगर है, सब ने अपनी फिंगर बतानी है मम्मा को, मम्मा का कहना है मम्मा हमारे फिंगर में भी किसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फ का। व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ फिंगर, और ये क्या था, ये है फ्लावर, 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 फ्लावर। ये है रोज़, इस फ्लावर का नाम है रोज़, तो ये है तो फ्लावर ही ना। तो व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ फ्लावर, फ्लावर। यस, द बिगनिंग साउंड ऑफ फ्लावर इज, द बिगनिंग साउंड ऑफ फ्लावर इज। ओके बेटा, नाउ कम बैक टू आवर वर्क। पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 इज़ आवर क्लास वर्क। तो सबसे पहले सारे बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, जल्दी जल्दी से पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बच्चों ने पढ़ लिया टीचर के साथ। अब हम सबसे पहले यहाँ डेट मेंशन करते हैं। व्हाट डेट टुडे, 11 अगस्त 2020, एंड इट्स योर क्लास वर्क। सो यू राइट CW फॉर क्लास वर्क। और क्वेश्चन इज रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द फॉर्मेशन ऑफ, वी रीड द फॉर्मेशन ऑफ, हाउ कैन वी राइट, टर्न अ लिटिल, कम डाउन एंड डाउन, गो अप, कट अ लाइन। ओके, ये जब आप लिखेंगे तो रेड और ब्लू लाइन के दरमियान लिखेंगे हम, मैं टीचर आपको यहाँ पे लिख के बताती हैं एक बार, फिर आप खुद लिखेंगे। ओके, टीचर के साथ लिखते हैं सारे बच्चे। टर्न अ लिटिल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन।
टर्न अ लिटल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन। बेटा बिल्कुल इसी तरह पहले आपने ऊपर छोटा सा टर्न अ लिटल करना है, फिर कम डाउन एंड डाउन, गो अप, कट अ लाइन, गो अप और एंड कट अ लाइन भी कह सकते हैं, और सीधा नीचे जाके फिर एक बार कट अ लाइन भी आप कह सकते हैं, ओके, जिसमें आपको आसानी हो। एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम, टर्न अ लिटल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन, टर्न अ लिटल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन। विच साउंड इज दिस? बिल्कुल बच्चों आपने इस तरीके से बनाना है, इसी तरीके से आप बनाएंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। आप लोग पता है क्या मिस्टेक करते हैं, आप यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। फिर आपका टीचर गलत कर देती हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, टीचर आपको गलत कर देती हैं तो आपने जब भी अगर ऐसे बनाए तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से इरेज कर देना है। क्या कर देना है आपने, फ़ौरन से इरेज करके बिल्कुल फॉर्मेशन के हिसाब से आप बनाएंगे तभी आपको आएगा। टर्न अ लिटल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन, टर्न अ लिटल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन। बेटा बीच में कट अ लाइन बिल्कुल ब्लू लाइन पर आएगी, ना इससे ऊपर जाएगी ना नीचे, नीचे ऊपर जाएगी तो आपका गलत हो जाएगा, ओके। फिर से एक बार पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते जाओ टीचर के साथ, टर्न अ लिटल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन, टर्न अ लिटल, कम डाउन एंड डाउन, कट अ लाइन। मेरा बच्चा जिस तरीके से टीचर ने पूरा पेज कंप्लीट किया है, आपने भी बिल्कुल फॉर्मेशन के हिसाब से ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। पेज नंबर 42 इट्स योर क्लास वर्क, पेज नंबर 42 इज़ योर क्लास वर्क, कीप इन योर माइंड, पेज नंबर 42, पूरा पेज नंबर 42 आपका क्लास वर्क है। एंड योर होमवर्क इज़ पेज नंबर 43, योर होमवर्क इज़ पेज नंबर 43 इज़ योर होमवर्क। जब भी आप होमवर्क करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे मम्मा को, कि मम्मा डेट मेंशन कर दें, 11, व्हाट डेट टुडे, 11 अगस्त 2020 एंड इट्स योर होमवर्क, होमवर्क, सो यू राइट हेयर HW फॉर योर होमवर्क, HW इज़ कंसिडर फॉर योर होमवर्क, ओके। इट्स योर पेज नंबर 43 इज़ योर होमवर्क, इसमें भी आपने उफ लिखना है पूरे पेज में, जिस तरीके से आपने पेज नंबर 42 में लिखा अपने क्लास वर्क में टीचर के साथ, इसी तरीके से आपने पेज नंबर 43 में भी टीचर के साथ नहीं मम्मा के साथ, ट्यूशन वाली बाची के साथ आपने ये पूरा पेज कंप्लीट करना है, ओके मेरा बच्चा। ये दोनों पेज कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से फॉर्मेशन के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।